हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है अपवाह तंत्र। तो ये जो अपवाह तंत्र होता है उसका मतलब होता है कि अपवाह का मतलब जहाँ से पानी का बहना होता है और तंत्र किन के द्वारा वो पानी बहाकर लेकर जाया जाता है, तो उनके बारे में बताना है। पानी किसके द्वारा बहता है? नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर नदियों की बात हो रही है। तो देखो, इसमें आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होंगी। जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें नदियाँ, नदियों के अंदर जो पानी बहता है उसको देखा होगा। नाले होते हैं बड़े बड़े जिनमें से पानी जाता है। वाहिकाएँ होती हैं कि जो नदियों का जो रास्ता होता है, जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, उन सभी को देखा होगा, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। ये जो नालियाँ या रास्ते होते हैं जहाँ से नदियाँ अपना जल बहाकर लेकर जाती हैं, इनमें से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बहकर चला जाता है। अगर ये वाहिकाएँ न होती, यदि ये रास्ते न होते, तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जो नदियाँ जहाँ से वो बह रही हैं, जहाँ से उनको रास्ता मिला हुआ है, यदि वो रास्ते ना होते तो क्या होता, बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ से वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, जहाँ से या तो नदियों का जो रास्ता होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है, या अस्पष्ट है कि कहाँ तक है, कुछ स्पष्ट नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। इसका उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है जो बिहार का शोक माना जाता है, कोसी नदी को। तो वो क्या है, अपना रास्ता बदल लेती है, रास्ता बदल लेती है कई बार, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो कोई स्पष्ट नहीं है, और यदि उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके कारण से जो गांव होते हैं वहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है और वो बाढ़ का कारण बनती है। उसके बाद है निश्चित वाहिकाएँ। निश्चित वाहिकाएँ क्या होती हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाएँ मतलब जो नालियाँ या रास्ते बने हुए हैं नदियों के बहने के लिए, उनके माध्यम से, उनके द्वारा हो रहे जल प्रवाह, जो पानी का बहना है सुचारू रूप से चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। और ये जो नदियाँ बह रही हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा तंत्र कहलाता है, जाल कहलाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थल आकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। ये जो रास्ते बने हुए हैं नदियों के, ये क्या है, कुछ अभी लेटेस्ट तो हमने बनाए नहीं है, बहुत टाइम पीरियड से पहले से ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भू समयावधि है, समयावधि देखी गई है, चट्टानों की प्रकृति की, जो चट्टाने सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, मृदु होती हैं, जिनको पानी क्या होता है, आराम से काट कर आगे बढ़ जाता है, उन चट्टानों की प्रकृति के कारण, उनकी संरचना बनावट के कारण, स्थल की आकृति, जो भूमि है उसकी आकृति के कारण, ढाल, ढाल कैसा है, खड़ा ढाल है, मंद ढाल है, उच्च ढाल है, इन ढालों के कारण बहते जल की मात्रा और बहाव को की अवधि का ही परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आपने कभी वहां नौकायान करने, जहां पर नाव चलाई जाती हैं, अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या आप वहां कभी नाव चलाने के लिए या नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी? बारहमासी का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जिनमें हर 12 महीने, क्योंकि हमारा जो एक साल है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों में क्या उसमें हमेशा पानी रहता है, या अल्पकालिक केवल वर्षा ऋतु में पानी, अन्यथा सूखी हैं? अल्पकालिक मतलब या थोड़ी सी जब वर्षा ऋतु आती है उस समय उसमें पानी होता है, या फिर सूखी हैं, उसके बारे में बताना है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है, कि जो नदियां हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में क्यों बहती हैं? आपने भूगोल के अन्य जो दो पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण पता लगा सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली, कहाँ कहाँ, इसने बताया कि उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, वे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? एक नदी विशिष्ट अक्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण कहते हैं। जल ग्रहण का मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो ये एक विशिष्ट अक्षेत्र होता है जहाँ से वो अपने अंदर जल को समाहित करके और आगे बढ़ती है, उसे जल ग्रहण अक्षेत्र कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो नदियाँ हैं वो एक ही दिशा में क्यों बहती हैं, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और जो ढाल होता है, भूमि का जो ढाल होता है, जो बनावट होती है, उसी के कारण वो नदियाँ उस रास्ते पर बहती हुई चली जाती हैं। यदि यहाँ पर मान लो नदियाँ बहकर आ रही हैं और यहाँ पर जो रास्ता है वो
ढाल में ना होकर, निम्न ढाल पर ना होकर यदि ऊंचाई पर हो तो क्या नदियाँ अपना पानी यहाँ पर ऊपर चढ़ाना नदियों के लिए आसान होगा? नहीं होगा। तो इस यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक झील बन जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इन कारणों के कारण क्या होता है कि वो जो नदियाँ होती हैं अपना पानी बहाकर आगे बढ़ जाती हैं। एक नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित अक्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी नदी होती है या फिर जो उसकी सहायक नदियां होती हैं वहां से जो पानी बहकर जा रहा होता है वो क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगा। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। मान लो कोई नदी है, उसकी कोई सहायक नदी है जो उसमें पानी डाल रही है, यदि इन दोनों के बीच में कोई रुकावट आ जाती है तो वो क्या होगा? उस पानी को अलग करने वाला बन जाता है जल विभाजक। विभाजक का मतलब होता है अलग करने वाला, जल विभाजक पानी को अलग करने वाला, या जल संभर कहते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। जो बड़ी नदियां होती हैं जिनके द्वारा जल ग्रहण का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाएगा? नदी द्रोणी कहलाएगा। और जो छोटी नदियां होती हैं जिनमें पानी की जो मात्रा होती कम होती है, वे कुछ नाले होते हैं, उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है जहाँ से वो बहकर जा रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। जो नदी द्रोणी है उसका आकार कैसा होगा? एरिया बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। जबकि जो जल संभर होता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो देखो यहाँ पर नदी द्रोणी का आकार कितना हुआ? बड़ा हो गया। तो ये क्या होगी? नदी द्रोणी। उसके बाद जो जल संभर है उसका आकार क्या होगा? नदी द्रोणी के कंपैरिजन में छोटा होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम जल संभर बोलेंगे। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। ये दोनों अपनी एकता को दिखाते हैं कि वो क्या करते, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहत नियोजन इकाइयों या क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। तो देखो बच्चे, पीछे हमारा छूट गया था, एक बार उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन कंप्लीट करनी थी हमें। मुख्य अपवाह प्रतिरूप, यहाँ पर हमें देखना था, ये हमारा छूट गया था। मुख्य अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप, मतलब एक पेड़ की जैसे ब्रांचेज होती हैं, शाखाएँ होती हैं, ऐसे शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, उत्तरी मैदान की नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र है उत्तर पूर्वी की है, और गंगा, यमुना और सिंधु क्या हैं? उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, मान लो किसी पर्वत से निकली है और वो सभी दिशाओं में चलना शुरू कर देती है, तो इसे अपवाह प्रतिरूप के, इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। हमें ये जो प्रतिरूपों के नाम दिए गए हैं, ये प्रतिरूप आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, वो इसमें पूछा जाता है कि नदियों के द्वारा कौन कौन से प्रतिरूप बनाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से करना है। पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है तो वृक्षाकार प्रतिरूप है, और यदि वह सभी दिशाओं में बहना शुरू कर देती है तो क्या कहलाएगा? अरीय प्रतिरूप कहलाता है। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कैसा कैसा वहाँ पर प्रतिरूप बनाती हैं। तो देखो वृक्षाकार कौन सी बनाती हैं? उत्तरी मैदान की नदियाँ। और अरीय प्रतिरूप कौन बनाती हैं? अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ। उसके बाद जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदी उनसे समकोण पर मिलती है, कि जो मेन नदी है वो बह रही है और जो सहायक नदी है वो उसको समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो जालीनुमा कौन सा होगा? जो 90° के एंगल पर मिलती है। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, किसी झील के अंदर या फिर किसी गड्ढे के अंदर अपना जल विसर्जन करती हैं, इकट्ठा करती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रतिरूप बताए गए हैं: अभिकेंद्री, वृक्षाकार प्रतिरूप, उसके बाद है अरीय प्रतिरूप, उसके बाद है जालीनुमा, और चौथा हमारा है अभिकेंद्री प्रतिरूप। वृक्षाकार में वृक्ष की शाखाओं की तरह है, अरीय प्रतिरूप में क्या होगा कि हर जगह है, हर दिशाओं में अपना पानी भेजना शुरू कर देती हैं, और जालीनुमा क्या होगा? जहाँ पर नदी 90° के एंगल पर
90 डिग्री के एंगल पर मिलती है उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। और उसके बाद अभी केंद्रीय, जब कोई नदी अपने पानी को झील में या गर्त में डालती है तो वो अभिकेंद्री बन जाता है। तो चार प्रतिरूप हैं, आपको चारों प्रतिरूपों को अच्छे से देखना है। उसके बाद ये हमारी नदियाँ दी गई हैं, हमें अपनी नदियों को देखना है कि उसके बाद है हमारी ये जो भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, जो उत्तर की नदियाँ हैं कौन सी हैं, सिंधु नदी मेन है, सतलुज नदी मेन नहीं, बाकी क्या है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। सतलुज भी सिंधु की सहायक नदी ही है क्योंकि जो सिंधु की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये देखो, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर सिंधु नदी की चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, ये क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी। उसके बाद गंगा नदी है, गंगा नदी की यमुना, शारदा, चंबल, सिंध नदी, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गंगा, ये क्या है, गंगा मुख्य नदी है, बाकी इसकी सारी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां कौन सी हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का चाइना में क्या नाम है, सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग नदी, और ये यहाँ से असम से होते हुए बांग्लादेश में गंगा और दोनों मिल जाती हैं, जहाँ इसका नाम पद्मा या मेघना कहा जाता है, और फिर दोनों मिलकर यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि त्रिभुज आकार का यहाँ पर डेल्टा दिखाई दे रहा है, और डेल्टा में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ पर भी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नदियाँ हैं इन्होंने क्या बना रखा है, डेल्टा बना रखा है। और दूसरी बात ये है कि जो नदियाँ क्या होती हैं, नदियों का जो पानी होता है मीठा होता है, और जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। तो यहाँ पर जो नदियाँ, जितनी भी नदियाँ पूर्व की तरफ बह रही हैं बंगाल की खाड़ी में गिरते, वो सारी की सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिलकर एक एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एस्चुरी बनाती हैं। ये आपको याद रखना है, पश्चिम की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूर्व की जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ, वो सारी की सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद भारतीय अर्थतंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन का मतलब है कि जो नदियाँ हैं हमारी वो दो तरफ अपना पानी गिराती हैं, एक अरब सागर की तरफ पानी डालने वाली नदियाँ हैं, और दूसरी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियाँ। अरब सागर का अर्थतंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र, ये अपवातंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। विलग का मतलब होता है अलग किए गए हैं, और जल विभाजक की एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 70% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। कि जितना जो टोटल पानी है जो विसर्जित किया जाता है, समुद्रों में डाला जाता है, 77% वाटर क्या है, ऐसा पानी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करता है। कि मैक्सिमम पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है, और 23% जो पानी है वो कहाँ जाता है, अरब सागर में जाता है। और उसमें 23% में जो पानी डालने वाली नदियाँ वो कौन सी हैं, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, तापी, माही और बैरियार नदियाँ हैं, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो अपना जल, आप कोई भी एक साइड की नदियाँ याद कर लो जो कम हो, आप इजीली से याद कर सकते हो। उसके बाद जो बचेगी वो सारी कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया। जल संभर क्या था, जिसका एरिया छोटा होता है, और द्रोणी क्या थी, जिसका एरिया ज़्यादा होता है। जल संभर के आकार के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी नदी, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। उसके बाद सेकंड टाइप की जो नदियाँ हैं, मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र, जो बहने वाला जो एरिया बताया गया है, वो 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, और इसमें जो मेन है वो कालिंदी, पेरियार और मेघना आदि नदियाँ हैं। तीसरे टाइप की जो है वो लघु नदियां हैं, छोटी नदियां हैं,
छोटी नदियों का द्रोणीय क्षेत्र है जिनका अपवाह क्षेत्र कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। पहले वाली है जिसका एरिया 20000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, दूसरी वाली है जिसका एरिया 2000 से 20000 के बीच में है, मध्यम आकार की है, और तीसरी क्या है हमारी जिसका एरिया 2000 से कम किलोमीटर का है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल होती हैं। किसमें शामिल होती है? थर्ड टाइप में। नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं उद्गम स्रोत क्या माना गया है? हिमालय पर्वत माना गया है। वे अपना जल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में विसर्जित करती हैं। सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और कुछ नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती हैं और कुछ नदियाँ अपना पानी अरब सागर में डालती हैं। उत्तर भारत को इन नदियों की पहचान, जो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उन नदियों की आपको पहचान करनी है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से ये यहाँ पर दोनों टाइप में इसके सींग निकले हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक का एरिया फैला हुआ है, और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, और ये नीचे तक क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में अब है जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारा पठारी एरिया है। यहाँ मैं यहाँ पर मालवा का पठार है, उसके बाद दक्कन का पठार है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर का पठार है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पठार हैं यहाँ पर। तो इसमें बताया गया कि जो भी नदियाँ हैं सबका जो उद्गम स्रोत है, जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं, जन्म होता है, वो क्या है, हिमालय पर्वत है। वे अपना जल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में डालती हैं। उत्तर भारत की नदियों की आपको पहचान करनी है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट क्या है, इधर वाला है जो है माना गया है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं, और ये नदी कहाँ पकड़ती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से निकलती हैं और वो अपना जल कहाँ डालती हैं, इधर तक बहती जाती हैं, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और फिर अपना जल बंगाल की खाड़ी में डाल देती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की भी पहचान करनी, जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं आप इनको, इन सभी नदियों की आपको पहचान करनी है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं कि जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, इन दो, ये क्या हैं, दो बड़ी नदियां हैं, इनको अपवाद स्वरूप माना गया है। ये और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, कि यहां से जो नदियां निकलती हैं वो कहां पर जल अपना लेकर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो यहीं से उत्पन्न होती हैं और अपना पानी यहीं पर ही डालती हैं, अरब सागर की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक, ये कोंकण गोवा वाला तट है, और यहाँ तक नीचे वाला जो केरल वाला एरिया, यहाँ तक क्या है, मालाबार तट है। बहने वाली नदियों के नाम बताने हैं, यहाँ पर जो जो नदियाँ बहती हैं उनके आपको मैप दिया गया है, उसकी सहायता से आपको नाम ढूंढने हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाहतंत्र को हिमालयी अपवाहतंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाहतंत्र में विभाजित किया गया है। ये इसको दो तंत्रों में बांटा गया है, हिमालयी अपवाहतंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी प्रायद्वीपीय अपवाहतंत्र, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियाँ। यद्यपि इसका विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न करता है। जो विभाजन, इनको अलग करने का जो काम है, जो इसको फिर क्या करता है, जो चंबल नदियाँ हैं, बेतवा और सोन हैं, इन नदियों को बांटने में थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। यदि हम इन नदियों की बात करें तो ये उत्पत्ति में क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी मानी गई हैं। फिर भी यह अपवाहतंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। तो यहाँ तक आज को जो आज का काम दिया था आपको, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना था। इस पोर्शन में आपको कहीं पे भी डाउट होता है, आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।